लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या बीजेपी के कॉन्फिडेंस में कमी आई है, क्योंकि जो पहले वाली बीजेपी थी वो क्षेत्रीय दलों से थोड़ा सा एटीट्यूड में रहती थी, लेकिन जो अब वाली बीजेपी है वो क्षेत्रीय दलों के आगे झुक रही है। तो सवाल यही है कि क्षेत्रीय दलों के आगे मजबूर क्यों हो गई है बीजेपी, और क्या इसकी वजह इंडिया गठबंधन है, और क्या इंडिया गठबंधन के कारण बीजेपी को ये जो छोटी पार्टीज हैं, ये जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके आगे झुकना पड़ रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आप इस रणनीति के पीछे ये समझेंगे कि बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है क्षेत्रीय दल, और 2024 में जो उनका टारगेट है 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, तो उसके लिए क्षेत्रीय दल क्या रोल निभाएंगे। दूसरा, इंडिया के कारण कहीं होना तो नहीं पड़ रहा है बीजेपी को मजबूर। और तीसरा, बिहार महाराष्ट्र में कैसे फंस गया है एनडीए। चौथा, दक्षिण में बीजेपी का संघर्ष अब तक क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है, और क्या 2024 में बिना दक्षिण के सपोर्ट के बीजेपी 400 पार कर पाएगी। पांचवा, बीजेपी ने क्यों बदला अपना रवैया, थोड़ा सा इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है क्षेत्रीय दल। तो देखिए, मैं कुछ आपको पहले एग्जांपल्स देती हूँ कि आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में टीडीपी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उससे हाथ मिलाया है बीजेपी ने। उनके साथ जो ये जनसेना पार्टी है, जो कि पवन कल्याण की पार्टी है, उनसे तो इन तीनों का गठबंधन हो गया है आंध्र प्रदेश में। बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी, ये वहां के छोटे दल है। फिर आप उड़ीसा में आ जाइए, उड़ीसा में भी कहा जा रहा है जो बीजू जनता दल है, यानी नवीन पटनायक की पार्टी, उससे भी लगभग बीजेपी की बात तय हो गई है। बिहार में नीतीश की जेडीयू को एक बार वापस से चांस दिया। पहले तो कहा कि हमारे लिए नीतीश कुमार के द्वार बंद हैं, लेकिन फिर से लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नीतीश को वापस एनडीए में एंट्री करवा दी। फिर आप यूपी में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की जो आरएलडी पार्टी है, उसके लिए भी खोल दी बाहें। और आपको याद होगा, जो जयंत चौधरी है वो अखिलेश यादव के साथ है। यूपी के तीन लड़के कहा जाता था, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और ये जयंत चौधरी, लेकिन जयंत चौधरी को अपने पाले में कर लिया। फिर सुबसपा के ये जो पलटू राजभर हैं, जो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, उनको भी एक बार फिर से मौका दे दिया और उनको कैबिनेट में भी जगह दे दी गई। तो उनको भी उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी और उनके आगे भी उनको कहीं ना कहीं बीजेपी को झुकना पड़ा। कर्नाटक में जेडीएस से फिर जोड़ लिए दिल। देखिए, कर्नाटक में पहले जेडीएस से उनका गठबंधन टूट गया था, लेकिन अब वापस बीजेपी और जेडीएस वहां पे साथ आ गए हैं। महाराष्ट्र में शिंदे अजीत पवार को अपना बनाया कि भैया वहां पे जब उनकी जो मेन पार्टी थी, पहले आपको बता दूं बीजेपी और शिवसेना एक ही गठबंधन में थे, लेकिन फिर जैसे ही उद्धव ठाकरे और बीजेपी के रास्ते अलग हुए, बीजेपी ने क्या किया, वहां पे उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़कर शिंदे को अपने पास ले लिया, और एनसीपी जो कि शरद पवार की पार्टी थी उनसे टुटवाकर ये भतीजे अजीत पवार को अपने पास ले लिया। तो इन सबको मौका दिया और ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाते हैं बीजेपी के लिए क्षेत्रीय दल, कहीं ना कहीं बीजेपी इनके आगे झुक गए। अब 5 सवाल उठाए जा रहे हैं इस वक्त। सबसे पहला है कि क्या बीजेपी का आत्मविश्वास कम हुआ है, या फिर क्या 400 की मंजिल पर बीजेपी को शक है इसलिए क्षेत्रीय दलों के आगे झुक रही है। तीसरा सवाल, क्या बीजेपी अब सबको साथ लेने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, छोटी मोटी सारी पार्टी बीजेपी को चाहिए। और चौथा, क्या बीजेपी ने कांग्रेस को खत्म करने की ठान ली है, क्योंकि आपको पता है 2014 और 2019 में कांग्रेस को वो लगभग बहुत नीचे ढकेल चुकी है, और अब क्या 2024 में बीजेपी ने ठान लिया है कि जितने भी छोटे छोटे दल बचे हैं उन सबको हम बटोर लेंगे और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका देंगे, क्या बीजेपी के मन में ये है। कि फिर पांचवा, क्या इंडिया का बढ़ता कुनबा बीजेपी को सता रहा है, क्योंकि आपको पता है इंडिया गठबंधन, बीजेपी वाले कह रहे थे कि देखना लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा, और इधर तो इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग भी कर ली और इतना सफल हो गया, तो कहीं जो इनका बढ़ता हुआ कुनबा है वो बीजेपी को सता रहा है। ये 5 सवालों के जवाब और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सवाल के साथ और आपका उत्तर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया के कारण बीजेपी को होना पड़ा मजबूर क्षेत्रीय दलों के आगे। तो देखिए, सीधी सी बात है, इंडिया के पास अभी 40 पार्टियों का कुनबा है और एनडीए के पास 38 पार्टियों की फौज है, तो बीजेपी की उम्मीद से ज्यादा इंडिया ने परफॉर्म कर दिया है। बीजेपी वालों को यही लग रहा था कि हवा हवा में बातें करेंगे इंडिया गठबंधन वाले, विपक्षी वाले एक साथ इनके दिल मिलेंगे नहीं और ये साथ में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हुआ क्या, अखिलेश, तेजस्वी, केजरीवाल, उद्धव, शरद पवार, ये सब राहुल गांधी के यानी कांग्रेस के साथ आ गए हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने सीट शेयरिंग पर भी बात कर ली है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि ममता ने बड़ा झटका दे दिया है बंगाल में कि उन्होंने रैंप वॉक करवाते हुए अपने जो उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिए हैं, लेकिन वो अभी तक
तक इंडिया गठबंधन से अलग हुई नहीं है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव तो मैं अकेली ही लड़ूंगी और पूरी सीटों पर लड़ूंगी, एक भी कांग्रेस को नहीं दूंगी, लेकिन वो अभी इंडिया गठबंधन से उन्होंने अपने आप को अलग नहीं किया है। और सीट शेयरिंग में भी ये जो बड़े बड़े दिग्गज विपक्षी नेता हैं इनकी ज्यादा अभी लड़ाई नहीं हुई है। हालांकि ऑफिशियल डेटा सामने नहीं आया है, पर सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि बात बन गई है। तो कहीं ये जो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं सफल हो गया है, इसी कारण बीजेपी ने ये तो नहीं सोचा कि अगर क्षेत्रीय दलों को अपने पास नहीं रखेंगे, उनको नाराज कर देंगे, तो कहीं हमारा जो ये सपना है 400 पार का वो अधूरा ना रह जाए। अब तीसरा एक और चीज देख लीजिए कि देखिए बिहार और महाराष्ट्र में अब तक भी एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में भी तो देखिए अभी जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई है तो 20 नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है। और अगर पहले मैं बिहार की बात करूं तो बिहार से तो एक भी नाम सामने नहीं आया है। दो लिस्ट आ चुकी है बीजेपी की, लेकिन एक भी नाम बिहार से नहीं आया है। और एक और बात बता दूं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि बिहार में बीजेपी ने चिराग पासवान का हाथ तो नहीं छोड़ा। हालांकि जो उनके चाचा हैं, जो पशुपति पारस हैं, और पशुपति पारस चिराग पासवान दोनों ही बिहार में एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन पशुपति पारस को तो उन्होंने झटका दे दिया। और सूत्र तो यही बता रहे हैं कि भैया बिहार में चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई है। और अब मैं आपको बताती हूँ सवाल कहाँ उठ रहा है। सवाल यहाँ उठ रहा है कि अगर आपने 5 सीटें चिराग पासवान को दे दी है तो कुशवाहा, मांझी, पशुपति, इन सबके भविष्य का क्या होगा, इनको कितनी सीटें मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं कि देखिए 17 सीटों पे अगर बीजेपी लड़ती है, 16 सीटें जेडीयू कहती है कि हम तो 16 सीटें पिछली बार जीते हैं यानी नीतीश कुमार, तो हम तो ये सीटें नहीं छोड़ेंगे, तो 17 सीटें बीजेपी जो जीती हुई है, 16 सीटें जो जेडीयू जीती हुई है, और 5 सीटें आपने चिराग पासवान को दे दी है। अब कितनी बची? सिर्फ 2 बची। अब इन 2 का बंटवारा आप इनमें कैसे करोगे? कुशवाहा, मांझी, पशुपति, खबर तो ये भी आ रही है कि अभी सम्राट चौधरी भागे भागे गए हैं किसको मनाने, मांझी को मनाने। उन्होंने कहा था हमको कम से कम 3 सीटें चाहिए, और अब सम्राट चौधरी यानी एनडीए यानी बीजेपी मांझी को मनाने में जुटा हुआ है। तो अभी तक सीट शेयरिंग में इतना कंफ्यूजन है कि इस पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, और यही वजह है कि बिहार में लिस्ट आ नहीं पा रही है। अब आप बात कर लीजिए महाराष्ट्र की, तो देखिए महाराष्ट्र में सूत्र तो यही बता रहे हैं कि 31 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 13 सीटें शिंदे के पास आ जाएगी और 4 सीटें अजीत पवार के पास आ जाएगी, और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 48 सीटें हैं। तो देखिए फडणवीस 31, शिंदे 13 और अजीत 4, लेकिन अभी भी ये आपस में ही लड़ रहे हैं, अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सूत्रों के हवाले से है, और कहा नहीं जा सकता है कि इनकी अभी तक अनबन खत्म नहीं हुई है। देखिए 2019 में अगर मैं आपको बात बताऊं तो बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार तो भैया वो उन्होंने तो शिंदे, क्योंकि वो तो अब जो शिवसेना है और एनसीपी है वो तो अब वही रही नहीं, उन्होंने तो तोड़वा दिया है। तो पिछली बार बीजेपी 25 पे लड़ी थी और अब कह रही है हम 31 पे लड़ेंगे। पिछली बार शिवसेना मिलाकर यानी उद्धव और शिंदे मिलाकर 23 पे लड़े थे, लेकिन अब क्योंकि उद्धव अलग हो गए हैं, शिंदे अलग हो गए हैं, तो शिंदे को सिर्फ 13 सीटें दे रही है बीजेपी। तो ये एनडीए की स्थिति थी 2019 में। और यूपीए में जब एनसीपी थी यानी जब अजीत पवार और शरद पवार 2019 में साथ में थे तो उनको 19 सीटें मिली थी सीट शेयरिंग में यूपीए की तरफ से। और अगर एक बार मैं आपको नतीजे भी बता दूं 2019 के, तो बीजेपी 25 पे लड़ी, 23 सीटें जीती। ये शिवसेना जो थी 23 पे लड़ी, 18 सीटें जीती। एनसीपी 19 पे लड़ी, 4 सीटें जीती। एक आई कांग्रेस के पास, एक आई एआईएमआईएम के पास और एक आई इंडिपेंडेंट के पास। अब देखिए चौथा है कि दक्षिण में बीजेपी का संघर्ष अब तक क्यों खत्म नहीं हो रहा है। ये बात अब आपको क्लियर हो चुकी होगी क्योंकि इस पे हमने इतने शोज कर लिए हैं कि दक्षिण में बीजेपी की हालत टाइट है। देखिए केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु में बीजेपी का कोई भी साथी नहीं है, और इन तीनों जगह पे दिखता है कि कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे है, क्योंकि बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स यहाँ पर काम नहीं करती है। अब अगर आप तेलंगाना और कर्नाटक की बात करें तो तेलंगाना और कर्नाटक तो विधानसभा जीत के कांग्रेस ने उसे अपना गढ़ बना लिया है, तो अब यहाँ पर कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई है यहाँ पर सीटें जीतना। अब देखिए सवाल फिर वही उठेगा कि बिना दक्षिण भारत के ये 400 पार का सपना बीजेपी का या एनडीए का कैसे पूरा हो पाएगा। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के प्लान पर बहुत ही जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। उनके आए दिन आप सुनते रहते होंगे यहाँ पर दौरा, वो इधर चले गए, आंध्र प्रदेश चले गए, कभी किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो देखिए मेहनत तो बीजेपी पूरी कर रही है, लेकिन ताजा सर्वे भी ये बता रहे हैं कि दक्षिण में बीजेपी का अभी जो हालत है वो सही होती भी नहीं दिख रही। अब पांचवा थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में लेके चलती हूँ, इतना भी नहीं लेकिन पॉइंटर्स में बता देती हूँ कि बीजेपी का अपना रवैया जो है उसने अब क्यों बदल दिया है 2024 में, और पहले रवैया कैसा था। तो देखिए अगर मैं 1996 की बात करूँ तो बीजेपी के पास सिर्फ 2 साथी थे, कौन कौन थे, शिवसेना और अकाली दल, लेकिन सिर्फ इन 2 साथियों के साथ 13 दिन में एनडीए की सरकार गिर गई थी। फिर आया 1998, उसमें बीजेपी ने अपने गठबंधन साथियों को बढ़ाया, और 2012 में एनडीए के मैं आपको बता दूं साथियों की संख्या बहुत कम थी। फिर 2014 में
क्षेत्रीय दलों पर बिल्कुल निर्भर नहीं थी बीजेपी, क्योंकि 2014 में मोदी मैजिक इतना ज्यादा था कि क्षेत्रीय दलों को भाव नहीं दे रही थी, उनको अपने पे बहुत भरोसा था। और जो मोदी जी का मैजिक था वो 2014 में बहुत हाई पावर था, तो क्षेत्रीय दलों के बारे में इतना टेंशन नहीं ली बीजेपी ने। फिर 15 मई 2023 तक भी बीजेपी के तेवर कड़क थे, क्योंकि अपनी 25वीं सालगिरह बना रही थी एनडीए। फिर आगे बढ़िए, 2024 में अब तक सबसे ज्यादा गठबंधन साथी क्यों किए हैं बीजेपी ने? जब आपने इतना टाइम तक, इतना पूरा इतिहास में गठबंधन साथियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, आप हमेशा एटीट्यूड में रहे हो, तो आखिर 2024 में आपके एनडीए में सबसे ज्यादा साथी हैं इस वक्त, तो इसकी वजह क्या है? गठबंधन जीत की गुंजाइश और ताकत पर निर्भर करता है। तो देखिए, ये सेम बात है कि बीजेपी भी यही चाहेगी कि जिनको भी गठबंधन साथियों को वो अपना रही है तो उनकी ताकत देखती है, उनकी जीत की गुंजाइश कितनी है वो देखती है, और फिर उसके बाद एक्सेप्ट करती है। और जो गठबंधन कर रहा है, जो छोटा दल है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो भी यही देखती है कि बीजेपी या कोई भी बड़ी नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो उनकी जीत की गुंजाइश, जीत के चांसेस कितने हैं, तो उस आधार पर ये गठबंधन होता है। क्योंकि साफ सी बात है, ये जो आइडियोलॉजी है अब वो ज्यादा मायने नहीं रखती किसी के लिए भी। आप देख लेते होंगे, कभी कोई कांग्रेस का नेता बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी का नेता कांग्रेस में चला जाता है, कोई दूसरी पार्टी का एकदम विपरीत आइडियोलॉजी में चला जाता है। तो अब आइडियोलॉजी के हिसाब से ये लोग साथी नहीं बनाते हैं, वो एक वक्त था जब आइडियोलॉजी के हिसाब से चुनाव लड़े जाते थे, लेकिन अब सिर्फ सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़े जाते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, 1963 का वक्त है आजादी के, 1947 में आजादी मिली, और अगर मैं 1963 की बात करूं तो एक एंटी कांग्रेसिज्म आया था, और उसमें यह था कि कांग्रेस के विरोध में ये जितनी भी पार्टियां थी, भाई एक तो आइडियोलॉजी थी कांग्रेस की, फिर उसके विरोध में जितनी भी राइट विंग वाली पार्टीज थी वो सब एक साथ आ गई, आइडियोलॉजी के हिसाब से लड़ा गया था चुनाव। और 1977 में इंदिरा गांधी को हराया, फिर 1989 में इन्हीं सारी पार्टीज ने एक साथ आकर, मतलब ये जो सारे राइट विंग के ग्रुप्स थे, आकर कांग्रेस को हराकर राजीव गांधी को हराया। तो ये दो चुनाव ऐसे थे जब लग रहा था कि भैया आइडियोलॉजी की लड़ाई है, कांग्रेस से परेशान आ गए हैं, और फिर आपके सारे लेफ्ट से और कांग्रेस से परेशान आ गए, तो जितने भी दूसरे पक्ष वाले हैं उन सब ने एक साथ मिलकर इनको हरा दिया। तो यही थी आइडियोलॉजी की लड़ाई, और अब ये जैसे गठबंधन हो रहे हैं वो सारी सिर्फ जीत की गुंजाइश के कारण हो रहे हैं। और यही सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि अब 2024 में एनडीए और बीजेपी को अपना रवैया क्यों बदलना पड़ गया। तो देखिए, आई होप इस शो से आपको इतने संकेत मिल गए होंगे कि आप अपना भी राजनीतिक दिमाग लगा सके कि बीजेपी कांग्रेस अब किस राह पर है, और अब जो ये आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या नया देखने को मिल सकता है, कि क्या पूरा गेम पलट सकता है, कि और ज्यादा कांग्रेस को ही झटका मिल जाएगा, और क्षेत्रीय दलों के आगे क्यों मजबूर हुई बीजेपी, इस पर आप क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए। आप News24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।